नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार सुमित आई टी प्लम्बर चैनल पर। आज हम आपको जो जैविक खेती होती है उसके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पे लगा हुआ है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये देख रहे हो हमने मोटर फिट कर दी यहाँ पे। इसमें दोस्तों हमने दो मोटर लगाए, पहले एक मोटर लगाई थी एक 2 हॉर्स पावर की, वो कामयाब नहीं हुई इसलिए हमने इसको हटा दिया है और अब हमने इसमें 2 मोटर लगानी पड़ी हैं। इससे हम इसको गीला करते हैं, एक मोटर इस साइड गीला करती है और एक मोटर हमारी दूसरी साइड से। ये पाइप देख रहे हो, ये जो हमारी खेती है इसके लिए ये नीचे से दबी हुई है जिससे ये पानी खेती में जाएगा, जो भी हम इसमें लगाएंगे उसमें ये टुपका टुपका वगैरह से पानी डालेंगे। ये देख रहे हो उधर उस साइड हमने पंखे लगवाए हैं इसके अंदर ताकि ये कूलर सिस्टम हो जाएगा और हवा पास होती रहेगी और ठंडी ठंड रहेगी, गर्मी बिल्कुल भी बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है इसमें। जब बाहर टेम्परेचर 45-46 होता है, अंदर इसका 30-32 आ जाता है और इससे भी कम हो जाता है क्योंकि हमने अभी यूज करके देखा है तो अभी इसका टेम्परेचर 30 था क्योंकि हमने अभी सारे पंखे नहीं चला रखे हैं, तो ये 20 तक भी हो सकता है टेम्परेचर आ जाएगा हमारा। देख रहे हो दोस्तों ऊपर भी पंखे लगे हुए हैं, ये ऊपर वाले पंखे भी हम यूज़ करेंगे। तब पहले इसको हम अच्छे से खेती वगैरह लगा के इसके अंदर जो भी हमने लगाना है उसकी हम पौध तैयार कर रहे हैं और ये ऊपर भी फुहारे लगे हुए हैं जिससे हम छिड़काव करेंगे। ये हमारा जनरेटर है, अगर लाइट चली जाती है तो हम इससे कनेक्शन जोड़ लेते हैं। यह हमने सोलर सिस्टम कर रखा है, ये देख रहे हो ये पाइप और ये मोटर वगैरह हमने ही फिट करके अपना काम परफेक्ट कर दिया है। और ये अंदर बिल्कुल कूलर जैसे कूलर चलता है, इस साइड से ये गीला हो जाएगा और ऊपर से और इसमें पानी जाता रहेगा और फुहारों से भी पानी पड़ता रहेगा इसके अंदर, जिससे ये कूलर सिस्टम तैयार कर दिया गया है जिससे इसके अंदर ठंड रहेगी। और ये देख रहे हो सभी जगह पे लगा दिए गए हैं फुहारे वगैरह और ये देख रहे हो जो कूलर में पर्दे लगते हैं ये लगाए हुए हैं और ये गीले इस साइड से होंगे और कहीं से इसमें हवा पास नहीं होगी। अगर दोस्तों आप भी अगर खेती करने की सोच रहे हो तो ये सेटअप हमारा लगभग 15-20 लाख रुपए के करीब सारा सेटअप होता है। हम आपको दिखाएंगे अभी कि कैसे हम जैविक खेती और पोली फार्म जिसे हम बोलते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे इसका जो पैनल है वो लगा हुआ है जिससे हम पंखे स्टार्ट करते हैं, ये देख रहे हो आप। ये सभी की MC है जहाँ से हमने बंद करना है और चालू करना होता है, इसी से हमने सोलर सिस्टम को कनेक्ट करवा रखा है। हम आपको बाहर की साइड दिखाते हैं एक बार, जो हमारा पूरा पोली फार्म तैयार हुआ है जैसे कि। तो दोस्तों देख रहे हो ये यहाँ से हमने इसका जो वेस्ट पाइप का है जो पानी इसके अंदर गिरेगा वो वापस यहाँ से वापस टंकी के अंदर चला जाएगा और ये हमने जो आपको बताया था ये जो पर्दे वगैरह हैं ये पानी में गीले रहेंगे जिससे हवा पास होगी इसके अंदर से। और यहाँ पे हमने वाल सिस्टम कर दिया है इसमें ताकि पानी बाहर लेना हो तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। और ये देखो हमने यहाँ पर टंकी लगा रखी है 500 लीटर की, आप 1000 लीटर की भी लगा सकते हैं अगर आपको पानी ज़्यादा चाहिए है तो। तो दोस्तों देख रहे हो नीचे से जो पाइप आया हुआ है इससे हम इसका जो आउटलेट है ये इसका इसके अंदर गिरता है ये पूरे पर्दे का पानी। ऊपर से हमने इसमें वाल दे रखी है जिससे इसमें पानी जाता रहता है। और ये जो नीचे से पाइप देख रहे हो ये हमने टंकी को भरने के लिए दे रखा है क्योंकि इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये वाल सिस्टम करके हमने एक पाइप यहाँ से पीछे ले जा रखा है और एक हमने यहाँ पे हम आपको अभी दिखाएंगे, ये हमारा सोलर है जिससे हमारी समरसीबल वगैरह और फिल्टर वगैरह सब कुछ चलता है। ये देख रहे हो ये फिल्टर है जो कि पानी को बिल्कुल साफ करके आगे पास करता है। ये हमने ओद बनवा रखा है, पहले हम समरसीबल से इसको भरते हैं उसके बाद में आगे पानी को पास करते हैं फिल्टर से ताकि उसके अंदर रेत वगैरह ना जाए। ये देख रहे हो हमारा पोली फार्म, आप भी अगर इसको लगाना चाहते हैं, अगर आप भी खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं बिना खाद की खेती में
तो आप भी इसको लगवा सकते हैं। हमने आपको इसका खर्चा, हमने जो भी लगना है इसमें, हमने आपको बता दिया है एस्टीमेट। ये इसका आउटलेट दे रखा है, हम पानी को इसको बाहर खाली करेंगे तो इसको टंकी को खाली कर सकते हैं। और ये हमारा समरसीबल है जिससे हमको, हम इससे इसको भरते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप बताएं आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और अगर कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। धन्यवाद।